ये अभी भी घुर्रा रहा है। इसे कल 10 किलो खिलाया और आज इसे 15 किलो खिलाया, लेकिन सोने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर देखते हैं, अगर फिर भी चुप नहीं हुआ तो मार देंगे। ये सुलाने का इंजेक्शन है। देखो कैसे दहाड़ रहा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हम भी तो तैयार हैं पारस, अगर बाहर आया तो सुला देंगे यही। गज्जू तू जा, हम सबके लिए खाना ले गया। ठीक है, तुम दोनों सावधान रहना, लेकिन तू जल्दी आना। आना यार। लगता है सो गया, अब हम सुकून से खाना खाएंगे। आवाज कुछ टूटा है शायद, चल देखते हैं। चला गया यार। हाँ यार, हम लोग तो बाहर ही बैठे हुए थे, गया किधर से? तू दूर रहो, पास में जाना दूर। पारस, पारस, पारस क्या हुआ? पारस उठ। ये ब्रेकिंग न्यूज की होड़ एक दिन हमारी जान लेकर ही रहेगी। सच कहा यार, भेज दिया हमें इस न्यूज चैनल ने कि जाओ जंगल में जाओ और उस अजीब से जानवर की फोटो खींचो जो मुंबई के इसी इलाके में दिखा गया है। देखो खबर तो बहुत बड़ी है, और उसे सही ठहराने के लिए हमें उस अजीब से जानवर की फोटो चाहिए तो चाहिए। तू सच बोलता है, लेकिन वो उतना खतरनाक भी तो है। मानता हूँ कि जोखिम भरा काम है, मगर ये सोचो अगर हमें उसकी फोटो मिल गई तो हमारे चैनल की रेटिंग आसमान छू लेगी और पब्लिक भी अलर्ट हो जाएगी अपनी सेफ्टी को लेकर। पर पता नहीं क्या चीज है वो, क्या है, कैसा दिखता है, क्या हमारा कैमरा उसे कैप्चर कर लेगा? हाँ यार,
ये कैमराज टेक्निकली इतनी अपग्रेडेड है, कुछ भी हो, कोई भी मोमेंट हो, तुरंत कैप्चर कर लेगा। लेकिन वो चीज दिखे तब ना, पता नहीं फोटो कैप्चर होने में कितने दिन लगेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी वक्त लगे हमें उसकी फोटो लेके ही जानी है यहाँ से। चलो अब कैमरा रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। कुछ सुना, लगता है कोई जंगली जानवर है शायद। भागो भागो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मत मारो मुझे। कैसा जानवर था वो, तुमने देखा उसको? मार देगा मुझे। ले चलो उसको हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा अंजलि एक बात बताओ, रिजल्ट तैयार हो पाया है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, वैसे भी मैडम ने कहा था कल किसी भी हालत में बच्चों के रिजल्ट रेडी हो जाने चाहिए। मैंने पूरी रात जाकर रिजल्ट की तैयारी की। खैर आप एक काम कीजिए, वहाँ पर स्टाफ रूम है ना, वहाँ पर मेरा इंतजार कीजिए। मैं जो ये रिजल्ट है ना नोटिस बोर्ड पर लगा कर आती हूँ। चलो मिलते हैं। ओके सर। सिक्योरिटी मैम, अमृत सर जल्दी आइए, देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया। क्या हुआ? ये क्या हुआ मैडम? ये क्या है, ये कैसे हुआ? जब मैं यहाँ पर आई थी तो बोर्ड पहले से ऐसे था। लगता है किसी जानवर ने नाखून से मारा इस पे। लेकिन ये तो खून लगता है, ये किसका खून हो सकता है और ये यहाँ पे कैसे लग गया? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, क्या है यहाँ, कौन आया था स्कूल में? सर हम सारे समय गेट पर ही थे, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए खाना खाने गए थे सर। तो तुम लोग सब क्यों चले गए, एक को तो गेट पे छोड़कर जाते। और क्या, चलो जाओ अभी चेक करो सारा स्कूल,
जल्दी जाओ। क्या हुआ बेटा? मैम प्लीज। क्या हुआ बेटा मुझे बताओ। मैम वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैठा है। प्लीज मैम मुझे घर जाना है। बेटा एक सेकंड, एक मिनट। रिलैक्स रिलैक्स सिक्योरिटी। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ देखो वहाँ कौन है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। प्लीज मुझे घर जाना है। मैं इसको लेके जाता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा कुछ। हर एक बच्चा अपने क्लासरूम में होना चाहिए। टीचर से ये कह दो कि क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दे अंदर से। एक भी बच्चा मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। ओके ओके मैम। बचाओ बचाओ बचाओ, खतरा खतरा खतरा, बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ मैडम? अंदर बहुत बड़ा जानवर है मैडम। ये क्या हो गया इसको? अमृत जी, जी सीआईडी को फोन लगाइए। जी जी लगाता हूं। जल्दी हेलो सीआईडी। देख के लगता है कि किसी बड़े नाखून वाले पंजों से ऐसे खरोचा गया है। काफी ताकतवर लगता है वो। उर्वी जरा मैग्नीफाइंग ग्लास और ट्वीजर देना। ये तो लंबा बाल है किसी का। सर सर जरूर किसी लड़की का बाल होगा। जरूर उस मॉन्स्टर के शरीर का या फिर सर का बाल है। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे घर जाना है। बेटा आशीष ये सीआईडी अंकल हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे घर जाना है प्लीज, वो मुझे मार डालेगा। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम लोग है ना बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। सच्ची आप उसे पकड़ लेंगे? पहले आप ये बताओ कि वो दिखता कैसे है? उसकी बहुत बड़े बड़े काले बाल थे, लाल लाल आंखें थी। अच्छा, और आपने उसे कहाँ देखा? लाइब्रेरी में। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड पे भी हमला किया उसने। अच्छा बेटा दिखाओ आपने कहाँ देखा। चलो वहाँ पे। आइए अंकल। कहाँ आशीष बेटा? इस तरफ। इस तरफ? कहाँ पर? यहाँ से लेफ्ट, वहाँ देखा था। ठीक है बोलिए। आशीष के साथ यहीं रुको। अरे बाप रे बाप, क्या ताकत है! इतने मजबूत रॉड बेंड कर दिया और जाली तोड़ के बाहर निकल गया। यहाँ इस तरफ स्कूल बस का पार्किंग लॉट है। सारे लोग वहाँ नोटिस बोर्ड की तरफ थे और वो यहाँ इस खिड़की से गायब हो गया। और न ही किसी ने आते हुए देखा उसे और न ही जाते हुए। जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसे, पता करना होगा कि वो है क्या और आया कहां से। ए पंकज बाइक मुझे दे, मैं तेज चलाता हूं। अगर ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहोगे ना तो वो मॉन्स्टर पीछे से आके कूद पड़ेगा कहीं से। अरे फ्रेडी सर आप टेंशन मत लो, मैं बाइक चला रहा हूँ ना, मैं और मेरी बाइक आपको सही सलामत घर पहुंचा देगी। बस 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 ज्यादा बात करो मत, समझे? बाइक तेज चला। इससे अच्छे था मैं पैसर के साथ ही चला जाता।
रहेगा क्या? अरे रेडी सर, पीछे बैठ के जब से मलूस बातें कर रहे हो, देखो मेरा टायर पंचर हो गया। अबे तुझे बाइक की पड़ी है, मुझे मॉन्स्टर का टेंशन हो रहा है, समझे? पंकज अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ आसपास रिक्शा भी तो नहीं है ऐसे सुनसान इलाके में। रेड अलर्ट भी है सर, हम लोग तो फंस गए। यही बात तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तेरे दिमाग में आएगा तब ना। मालूम है तुझे, यही टाइम है वो मॉन्स्टर इवनिंग वॉक को निकलते हैं, समझे? अगर वो हमारे सामने आ गए तो? सामने से आएगा तो क्या हुआ सर? सामने से आएगा तो मैं संभालूंगा। क्या अगर पीछे से आ गए तो? अरे पीछे पीछे आ गया। डरा ना? अरे क्या इतना बड़ा मॉन्स्टर दिखता नहीं है क्या आपको? पीछे प्रेडिटर अब क्या करे? गन निकाल, गन निकाल सर। 1 2 3 फायर। 1 2 3 गोली में चलाना, मैं एक छोटा सा चोर हूं, मुझे अपना बटवा दो और जाओ। छोटा सा चोर है तो भालू बन के हमें क्यों डरा रहा है और हमारे वॉलेट मांग रहा है? तेरे को पता है हम लोग कौन है? सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी? हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ फंस गया? फंसा नहीं है भिड़ू, तू बच गया जो हम लोग मिल गए। अगर मॉन्स्टर मिल जाता तो अब तू जिंदा रहेगा। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं मिल गया। अगर जानवर मिल जाता तो मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? हाँ जाएगा तो तू जरूर, लेकिन कहाँ पे पता है पंकज? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? इंजन में से कुछ आवाज आ रही है। इंजन में से तो आवाज ही आती है। अरे मैडम, कुछ खराब होने जैसी आवाज आ रही है। आज की न्यूज़ देखी थी ना? जंगल से मिले आप लोगों के कैमरे में उस दरिंदे वहशी की फोटो है। सामने से कैसा दिखता है सर, इंसान या जानवर? बड़ा बड़ा सा काला राक्षस, बड़े बड़े आंखों, बड़े बड़े दांत, मरते मरते बचाओ राक्षस। कैसी बात कर रही हो यार, तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर हमारा यहाँ इंतजार कर रहा है क्या कि कब हमारी गाड़ी खराब हो, कब हम पर हमला करे? तुमने आज तक कोई बात मेरी सुनी है जो आज सुनोगे? हाँ रवि, अरे वही गाड़ी की प्रॉब्लम फिर से। हाँ वो इंजन स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन वो खटखट की आवाज आ रही है। तुम एक काम करो ना, ये लोकंड वाला बैक रोड पर आ जाओ अभी। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, आ रहा है। पता नहीं कब ये मैकेनिक आएगा, कब ये हमारी गाड़ी रिपेयर होगी और कब हम यहाँ से निकलेंगे। अब तक कुछ नहीं हुआ ना, तो अब भी कुछ नहीं होगा। तुमने आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो आज सुनोगे? इनका तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। जा गाड़ी के अंदर बैठ जा। नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके कूल।
रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। Oh my God! Help! पूरा पंजा छाप दिया है चेहरे पर। सर ये लड़की तो शौक से ही मर गई होगी। और सर ये आदमी तेजी से भाग रहा था लगता है, और मॉन्स्टर ने हमला किया इसके ऊपर। ये भाई सब कुछ बताना चाहते हैं। सर हमने उसके गर्जने की आवाज सुनी, फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों पति पत्नी की चीखने की आवाज आई। तुमने उसका चेहरा देखा कि नहीं? नहीं सर, जब हम यहाँ आए जब तक तो वो जा चुका था। इनको देख के मैंने आपको फोन किया। सर आज जी ये देखिए सर, मॉन्स्टर के पैरों के निशान। अरे बाप रे, कितने अजीब निशाने पैरों के। सर इंसान तो इंसान, मैंने कभी जानवर के पैर भी इतने बड़े नहीं देखे। सर पैरों के निशान, स्कूल की तरफ जा रहा है। तो वो स्कूल में क्या होगा? निशान किसी और तरफ ना जाकर स्कूल की तरफ ही जा रहा है। हो सकता है वो अभी भी स्कूल के अंदर ही। अच्छा हुआ जल्दी पता चला, वरना मेरे सिर पे खून का इल्जाम लग जाता। हमारे स्कूल में? हाँ, आज सुबह उसने एक पति पत्नी पे हमला किया और फिर सीधे आपके स्कूल की तरफ आया। लेकिन सर वो यहाँ क्यों आ रहा है? जी यही पता करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। दो बार आ चुका है आपके स्कूल में, ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्कूल में एक हफ्ते के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए, यहाँ किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, आज संडे है, कल बच्चों के आते ही डिक्लेयर कर देते हैं हॉलीडे। क्या बात है मैम, आज संडे है और आप लोग काम कर रहे हैं आज? रिजल्ट्स के बाद न्यू एडमिशन्स के लिए हम आधे दिन के लिए आए हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी अपने घर जाइए। सर कोई नहीं है, सिवा पंकज के। सचिन जहाँ जहाँ वो मॉन्स्टर देखा गया है वहाँ वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाने के ऑर्डर्स दे दो, और रूहान के कैमरे में जो फोटो ली गई है उसे मंगवा लो। चंद्र कुमार जी को तो हमने जानवर की पहचान के लिए बुलाया था,
लेकिन ये तो जानवर के स्केच पे स्केच, स्केच पे स्केच बना रहे। सर 1980 से ये दुनिया के जंगलों में जाकर जानवरों पर रिसर्च कर रहे हैं। ये नतीजा होगा ना सर, जितने भी जानवर को उन्होंने देखा सबकी फोटो बनवा लो। पंकज जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, चंद्र कुमार नाम है इनका, जानवरों की बोली और उसके निशान से उसके बारे में सब कुछ बता लेते हैं, उसको पहचान जाते हैं वो। ये तो आर्टिस्ट की तरह स्केच के ऊपर स्केच बनाते ही जा रहे हैं। यार यही तरीका होगा उनका, स्केच बनाते बनाते जानवरों की पहचान कर लेते हैं। सर अगर इन्होंने उसका स्केच बना लिया तो उस तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अरे लेकिन सर हुआ क्या, आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं क्या? सर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप जानवरों के पारखी हैं, हम आपका टेस्ट क्यों लेंगे? अरे तो फिर ये कौन सी किस्म के जानवर की पहचान के लिए मुझे बुलाया हुआ है? अरे चंद्र जी यही तो हम भी जानना चाहते हैं, ये किस किस्म का जानवर है? अरे मैं जानवरों को पहचानता हूँ, किसी अजूबे को नहीं। और डॉक्टर सालुंके ने मुझे यहाँ बुलाने से पहले ये सब नहीं बताया था। ठीक है सर, हमने आपको उसके पैर के और पंजे के निशान दिए हैं, उसकी फोटो भी दे दी है, अब आप बोल रहे हैं वो जानवर नहीं अजूबा है? हाँ जी, ये अजूबा नहीं तो और क्या है, उसके बाल, उसके पंजों के निशान, उसके फोटो, किसी में कोई तालमेल ही नहीं है। अरे सर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले उलझा रहे। अरे हाँ, क्योंकि मैं खुद उलझ गया हूँ। मैंने अपने करियर में आज तक किसी भी जानवर के ऐसे पंजों के निशान नहीं देखे, और इतने लंबे बाल, अरे वो तो भालू और चिंपांजी के भी नहीं होते। अरे चंद्र जी ये हमें पता है, आप हमें ऐसा कुछ बताइए जो जो हमें नहीं मालूम। आपने जो पंजों के निशान मुझे दिए हैं वो इतने छोटे हैं कि किसी भालू के भी नहीं हो सकते, तो फिर मैं कैसे इस जानवर की प्रोफाइलिंग करूं? हमने तो आपको जानवरों की पहचान करने वाला एक्सपर्ट समझा था, आपने तो जवाब दे दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या रिसर्चर अगर इस जानवर को बिना देखे इसकी पहचान कर दे तो कोई नहीं पहचान सकता। भाई मेरा तो सर दुख रहा है, अब मैं चलता हूं। अरे सुनिए सुनिए सर, अब उस जानवर के बारे में कैसे पता चलेगा? अब उस जानवर को समझने के लिए तो फोरेंसिक वालों का ही सहारा है, तब तक हम लोग जरा इस रूहान से मिल लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। रोहन मुझे छोड़ दो। रोहन शांत हो जा। रोहन मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रोहन रोहन देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आराम से बैठो, इतनी घबराहट तुम्हारे लिए ठीक नहीं, आराम से। क्या करूं मैं, क्या करूं, डर लगता है, न जाने वो जंगली जानवर कहां से आ जाए, उसका वो खतरनाक चेहरा मेरे आंखों से अभी तक नहीं जाता। पंकज अगर हमने भी उसे देख लिया ना तो हमारी भी ऐसी हालत होने वाली है। अरे सर ऐसा मत बोलो, मम्मी कहती है कि आप जो सोचते हो वो सच्ची में हो जाता है, तो अच्छी बातें सोचो। अच्छी रोहन, जिन लोगों ने भी उसे देखा था उनमें से सिर्फ तुम ही बचे हो, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि है क्या वो, कितना ऊंचा है, कैसा दिखता है। सर भगवान ना करे कि वो याद आए, मगर वो भुलाता भी तो नहीं है, खतरनाक लाल आंखें, भालू जैसी कोई चीज, बड़ा बड़ा सा चेहरा। इससे पहले तुमने इस तरह का जानवर कभी देखा है क्या? मैंने कभी नहीं देखा सर। क्या लगता है तुम्हें वो कहां से आया होगा? जंगल में ही रहता है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब वह डर के मारे और
हमला करके भाग जाता है। लेकिन एक बात अजीब है कि जब मैं रोड पर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा तो वो मेरे पीछे नहीं आया। वो ठीक है, तुम्हारा हम करो। बात अजीब तो है, इसकी चीख सुनकर वो इसके पीछे आ सकता था, इस पे हमला कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता है कोई और भी है उस खतरनाक जानवर के दिमाग के पीछे। जी, न्यूज चैनल से बात करी आपने? सब जगह। रोहन बता रहा था कि वो मॉन्स्टर जंगल के इस तरफ से आया, हमला किया और वापस जंगल की तरफ निकल गया, इसीलिए वो शहर में ज्यादा दिख नहीं रहा है। हमला करता है और जंगल में गुम हो जाता है। सर, अगर वो एक जानवर है तो उसे इतनी समझ है कि कहां से आना है और कहां जाना है? वो भी जानवरों को इतनी समझ तो होती है कि उसका ठिकाना कहां है और उसका रास्ता क्या है। लेकिन जानवर किसी पे बेवजह हमला नहीं करता अगर उसे छेड़ा ना जाए। हाँ सर, उसने अभी तक किसी को खाया नहीं, सिर्फ हमला करता और गायब हो जाता। वही तो, इसलिए जानवर के अलावा कुछ और भी है। सिर्फ हमला करता है और शिकार को छोड़ के गायब हो जाता है। सर, इस पे नजर रखने के लिए हमें CCTV कैमरास लगाने होंगे जंगल से लेके स्कूल तक। पेट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी सचिन, लोगों की जिंदगी का सवाल है, जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। सिर्फ रेडी और पंकज मीडिया को इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि कोई घरों से बाहर ना निकले। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हर 5 मिनट में स्क्रोल चलना चाहिए, समझे? लोगों को इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, न्यूज चैनल्स, रेडियो और प्रिंट में हर जगह ये न्यूज आनी चाहिए कि खतरा अभी तक टला नहीं है। वो मॉन्स्टर कब कैसे कहां से आ जाएगा कोई नहीं कह सकता। तुम जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। हमें बॉडीज के पास से जितने भी खून के सैंपल्स मिले हैं वो उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा है। अच्छा, किसी भी बाहर वाले का सैंपल नहीं? नहीं सर, उस मॉन्स्टर ने लोगों को सिर्फ अपने पंजों से मारा है, लेकिन काटा नहीं है। अगर काटा होता तो उसकी थूक सलाइवा से हमें पता चल जाता कि वो एग्जैक्टली है कौन। राइट, तरीका ये जो पंजा है ना। सर, उनके क्या पता चला? घोड़े पे। घोड़ा? वो जानवर घोड़ा है? पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद बीच में बोलना चाहिए। अंडरस्टैंड? फिर सालों के साथ बताइए ना, ये जानवर है किस तरह का? देखो बॉस, जैसा आप लोग सोच रहे हो दरअसल वैसा है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो बॉस, ये जो पंजा है, ये पंजा किसी जानवर का नहीं है बॉस, ये पंजा किसी इंसान का पंजा। क्या? ये तो क्या कह रहा है सालुंखे, तू जानता है? यार तूने उन लाशों के ऊपर जो घाव है वो तो देखे हैं ना, ऐसे घाव कोई इंसान बना सकता? और सर, रूहान ने जो फोटो खींची थी उस फोटो में सब कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे ये इंसान तो नहीं लगता सर। देखो बॉस, इस फोटो में जो कुछ जैसा दिखाई देता है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो पंजा है ये किसी इंसान का पंजा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बाल आप लोगों को मिला है, बस मैंने इस बाल का DNA टेस्ट किया है, ये बाल बताता है कि ये किसी इंसान का बाल है, वो भी किसी आदमी का जिसकी उम्र 25 से 26 साल है। इंसान का बाल, और वो भी किसी 25-26 साल के आदमी का बाल।
कैसे हो सकता है? ना ही स्कूल में और ना ही जंगल के आसपास मॉन्स्टर अब तक कहीं नजर नहीं आया। कल से हमने हर 5-5 किलोमीटर पर कैमरा लगवाए हैं, लेकिन किसी भी कैमरा में उसकी तस्वीर नहीं मिली है। सर, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम उसकी तलाश में हैं? सर, ये तो मॉन्स्टर है, इसे शिकार करने के लिए बाहर आना चाहिए। इतना समय हो गया, अब तक इसका अता पता ही नहीं। ये अचानक से आके हमला करता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगर वो सामने नहीं आ रहा है तो हमें उस तक पहुंचना होगा, उस तक हमें पहुंचना होगा, उसे दबोचना होगा। दया सर, ये मॉन्स्टर को मैंने कभी देखा नहीं सर पहले, मैं इसको पहचानूंगा कैसे सर? पंकज, उसे पहचानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो अपनी पहचान तुम्हें खुद करवा देगा। अच्छा फिर ठीक है सर। अरे सर, तुम मेरी हालत खराब कर देगा सर। शट अप पंकज, काम पे ध्यान दो। पता नहीं फ्रेडी सर कहां भाग जाते, वो यहां पे होते मैं डर नहीं होता, अंदर बैठा होता आराम से। मॉन्स्टर कहां से आएगा? फिल्म रिलीज हो रही है बदलापुर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, तो प्लीज देखिएगा बदलापुर। एंड वरुण, नाउ इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच काइंड वर्ड्स के लिए। बस सारे जो मेरे मीडिया के भाई लोग हैं इधर और आप लोग सब जो इधर आए हैं, मैं आपसे दिल से बात करूंगा। कुछ स्पीच वीच तो लिखी नहीं है मैंने, पर यही कहना चाहूंगा कि जो बदलापुर है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म मैंने कोई पैसों के लिए नहीं किया, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं किया है। एक पैशन प्रोजेक्ट है। एक एक्टर की जिंदगी में बहुत कम ऐसा एक वक्त आता है जब एक डायरेक्टर उसमें इतना बिलीव देता है, और मेरे हिसाब से मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत बिलीव दिखाया मुझ में, इसलिए तो मैं 40 साल का आदमी बना हूँ इसमें। यही कि 20 फरवरी को ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए, ये पिक्चर को एंजॉय कीजिए। बहुत ही लॉजिकल अच्छी फिल्म है, हिंदी फिल्म है। तो बदलापुर कब रिलीज हो रही है भाई लोग? पिक्चर का नाम क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण, थैंक यू। दोस्तों, ये थे वरुण धवन, जिनकी फिल्म रिलीज हो रही है बदलापुर कभी 20 फरवरी। थैंक यू दोस्तों, ये इवेंट यही खत्म होता है। चीयर्स फॉर वरुण रघु धवन, कम ऑन, गिव इट ऑल इंडिया। सर, अगला इवेंट लोअर परेड में है, 5 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना होगा। सर, लोअर परेड के बाद अपने को गोल्ड स्टार होटल पहुँचना है, और फिर 9 बजे का इवेंट है, और फिर इधर से लखनऊ की फ्लाइट। कट, मेरे भाई सुन ले, मेरे को लग रहा है तू बहुत काम कर रहा है, और तुम सब बहुत काम कर रहे हो, बहुत पतले हो गए, तो मेरे हिसाब से हम लोग एक बहुत ही अच्छे लंच के लिए जाना चाहते हैं, क्या बोल रहे सर? सर, पर अपना कल प्रमोशनल इवेंट, क्या आज अभी लंच के लिए जाते हैं? 2 घंटे में मैं तैयार होकर आता हूं, अपना हाथ ऐसे दे, ये ले, मैं जा रहा हूं लंच के लिए, तैयार होकर आ रहा हूं।
मुझे बाहर कुछ काम है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर डायरेक्ट होटल पहुंचती हूँ, ठीक है? हेलो ड्राइवर, साथ निकलने वाले हैं, गाड़ी तैयार करो। ये दरवाजा खुलकर क्या कर रहा है? बोला था गाड़ी तैयार करने के लिए, और ये रामो, रामो अरे यार टोनी, तेरे को कहा था ना ड्राइवर को बुलाने को, किधर है वो? सर मैंने बोला था गाड़ी के पास रहने के लिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं देखता हूँ। क्या यार, क्या हो गया टोनी? सर वहां पर कोई था। क्या यार, कोई कुत्ता होता होगा, चल। सर वहां सच में कोई था। अरे यार तुम लोग गन क्यों निकाल रहे हो? गन अंदर रखो, अंदर रखो गन, कुछ भी हो जाता है गन निकाल दो, गन अंदर रखो। क्या है, क्या है? सर मैंने देखा किसी को वहां पर। सर रामू, टोनी, updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.